हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैं आपको हमेशा हर जगह घुमाती रहती हूँ, अच्छी बुरी चीज़ें बताती रहती हूँ। मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आपको शिमला के बारे में बताया, वहाँ कौन कौन सी जगह टूरिस्ट के लिए बेस्ट है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं जानती हूँ आप लोग बोर हो जाते हैं, ज़्यादा वीडियो तो स्किप करके ही देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं बिना घुमाए फिराए बातों को करते हुए। अब हम शिमला को कह रहे हैं बाय और मनाली को कह रहे हैं हाय। आपने मेरा शिमला वाला वीडियो तो देखा ही होगा, क्या नहीं देखा? तो क्या कर रहे हो गाइस, जाइए अभी जाइए और देखिए वो वीडियो, क्योंकि आप अभी अगर शिमला घूमना चाह रहे हो तो बिल्कुल आपको बहुत काम आने वाला है वो वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जहाँ अच्छे बजट में आप वहाँ घूम सकते हो और जो फेमस है वहाँ की। तो अभी हम सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली है, जैसा कि हम सब साथ में ही आए हैं शिमला घूमने के लिए। रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ है गाइस, जो मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा है शिमला, साथ में मनाली भी। हमने सुना है कि मनाली ज़्यादा खूबसूरत है शिमला से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शिमला मुझे इतना प्यारा लगा तो फिर मनाली कितना प्यारा लगेगा। तो चलिए साथ में ही देखते हैं। मनाली के एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में हिडिंबा टेम्पल भी है, जहाँ हम उतरे वहाँ हम टेम्पल घूमे और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि ये वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कभी ना कभी एक छोटी मोटी सही यूट्यूबर बनने वाली हूँ। तो मेरी और मेरी वीडियोस भी ऐसी लिए है जो बिल्कुल खड़े मोबाइल से, ऐसा नहीं पता था कि आड़े, लेकिन मुझे पहले से आदत थी, मैं मोबाइल हमेशा आड़े रखकर ही वीडियोस बनाती थी। wow! तो वो वीडियोस थोड़े अभी मुझे काम भी आए। तो इससे ये पता चलता है गाइस कि मुझ में थोड़ी मोड़ी क्वालिटी थी पहले से यूट्यूबर बनने की। मैं मजाक कर रही हूँ। तो फिर चलते हैं। हिडिंबा टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है, ये टेम्पल बर्फ़ से पूरा ढका हुआ होता है, लेकिन हम जब गए तो यहाँ धूप थी, तो इस चीज़ ने हमें थोड़ा अपसेट कर दिया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बर्फ़ हमें देखने मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें बर्फ़ देखने बिल्कुल नहीं मिली हिडिंबा टेम्पल पर। तो बस हम ऐसे ही घूमे, वैसे एक हिसाब से ठीक भी हुआ, क्योंकि बच्चों को बहुत सर्दी खांसी हो गई थी, आयरा को, अलीज़ा को, अलम को, तो इसलिए धूप होने की वजह से थोड़ी कम सर्द ठंड लग रही थी वहाँ। यू कैन सी आयरा फेस, बिल्कुल सर्दी की वजह से पूरा उसका चेहरा मुरझा चुका है। और फिर हम यहाँ घूमे, अब हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि हमें पहुँचना है मॉल रोड मनाली, तो वहाँ ही हम होटल कर में रुकने वाले हैं। हिडिंबा में मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वहाँ कैमरामैन मैं ही बनी हुई थी और सबकी फ़ोटोज़ मैं ही ले रही थी। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया है अपने, कि घर की सबसे बेस्ट कैमरामैन मैं ही हूँ जो वीडियोस लेती हूँ। आई थिंक कैमरामैन नहीं, कैमरा वूमैन। आप देख सकते हो मैंने बाजी और भाई साहब की कितनी अच्छी फ़ोटोज़ ली है, दोनों गोलू मोलू हैं, भाई साहब तो आर्मी में हैं और बाजी उनकी ही तरह गोलू मोलू हैं। और ये रही मैं अपने भांजे अरहम के साथ, मैं बहुत क्यूट हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को क्यूट समझती हूँ और दिखती भी हूँ, चाहे कोई दूसरे मेरी तारीफ़ करे ना करे, मैं खुद की तारीफ़ करती हूँ और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हूँ। मेरी यही थिंकिंग है कि अगर हम खुद को खुश रखते हैं तो फिर हमें कोई गम तोड़ नहीं सकता, तो बस इसलिए मैं हैप्पी हैप्पी रहती हूँ और बिल्कुल पॉजिटिव सोचती हूँ, निगेटिव चीज़ों को तो मैं अपने पास भटकने भी नहीं देती। बस यही बात थी। और अब बस जा रहे हैं हम मनाली। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी तेरे दिल
शिमला के खाने से तो हम बहुत बोर हो गए थे, क्योंकि इतना बोरिंग खाना वहाँ पर, बिल्कुल मरीजों वाला खाना, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता। वो मुझे लगता है पेट भरने के लिए ही खाते हैं। बस अब यही होप लगा रहे थे कि मनाली में हमें कुछ टेस्टी टेस्टी टाइप खाने मिल जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कितने दिन से हमने रोज़े रखे हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, और हमारा वेट कितना लॉस हो गया। हम तो टेंशन में आ गए थे अपना वज़न देखकर, और एक एक को कह रहे थे कि देखो हम कितने दुबले हो गए, देखो फाइनली मॉल रोड मनाली आ गया बहुत देर इंतज़ार के बाद। तो अब बहुत तेज़ भूख लगी है, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिख रहे हैं टेस्टी टेस्टी फूड की, खानों की। तो बस हम होटल पे ललचाई नज़रों से देख रहे हैं कि हम क्या मंगाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं। तो हमें एक तरीके से यहाँ पर खुशी हुई, दिल खुश हो गया, बागवान हो गया दिल, कि यहाँ पर कितनी अच्छे अच्छे खाने की रेसिपी वगैरह दिखी हमें रास्ते में, और बहुत चहल पहल दिखी, ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है। तो बस अब हम आए हैं होटल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ का वीडियोस बनाया, क्लियर नहीं बनाया अभी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूब में ये शेयर करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ये वीडियो बनाया था, तो लेकिन अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने अच्छे से वीडियो क्यों नहीं बनाया। खैर नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप चेहरा देख सकते हैं उसका, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम बर्फ़ के जैसा लग रहा था। तो फिर हमने रूम हीटर मंगवाया, रूम हीटर लगाए, एक ही रूम में हम सब रुके थे, और बाकी जिनको प्राइवेट रूम लेना था उन्होंने सबने प्राइवेट रूम लिए। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, आप तो जानते हैं स्टेटस पे अच्छे बुरे लोगों को दिखाना होता है, जिसे लोग खुश हो सके और जल सके, तो बस इसलिए हमने फ़ोटोज़ लिए। तो अभी भी आप देख सकते हैं थकान है, फिर भी एक तरीके से खुशी थी, क्योंकि वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। फिर हमने खाना वहाँ का ऑर्डर किया, तो पनीर वगैरह मतलब बहुत टेस्टी इसमें बना हुआ था। हमने शिमला में भी खाए, लेकिन वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं था पनीर या कोई भी अदर सब्ज़ी में, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी थी सब्ज़ी की, तो टेस्टी लगा। तो हम सब ने बिल्कुल खाने पे टूट पड़े और फिर सोए, और क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि शॉप खुलने की अभी यहाँ पर 10 बजे। बुरा किया है ना, ना उनके साथ अच्छा करो। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी।
क्योंकि सोलांग विले आ गया है, हमें यहाँ अपने कपड़े चेंज करना होता है और ये रेंट पर कपड़े देते हैं। 250 हमें जिस टाइम हम गए थे वहाँ हमें 250 का पूरा ड्रेस दे रहे थे। शूज़ वगैरह इनके पास ही अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर कपड़े चेंज करके आगे जाना होता है। बहुत सारी शॉप होती है, एक ही शॉप नहीं होती, तो आप अपने पसंद से कोई भी कलर का ले सकते हो ड्रेस, जो कि वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। तो बस आयरा भी बैठी है, मैं आयरा के, और हाँ बच्चों के भी लिए होता है और बड़ों के भी लिए होता है, वो बराबर नाप आपको पहना कर ही बताते हैं, तो उस हिसाब से आप लेते हैं। आयरा को भी पहनाया था मैंने उस टाइम, मेरे पास ऑलरेडी जॉकेट था मोटा वाला, तो इसलिए मैंने तो नहीं लिया। मैंने शूज़ लिए क्योंकि शूज़ कंपलसरी लेना ही होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही नहीं तो हम टिक नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ का। तो बस अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की, आप देख सकते हैं मैं यहाँ का वीडियो बनाई हूँ। और ये मेरी आयरा, इसे बस कपड़े पहनाने की तैयारी थी, बहुत ज़्यादा सिद्ध कर रही थी, कपड़े पहनने के लिए तैयारी नहीं थी। फिर भी मैंने उसे चॉकलेट बिस्किट वगैरह, आप जान सकते हैं बच्चों को कितना लालच देना पड़ता है, तो बस मैंने वैसा लालच दिया, उससे पहनाया कपड़े। इस टाइम आयरा के पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन उन्हें कहा था मैंने चलने के लिए, लेकिन आप जान सकते हो हर हस्बैंड कितने अकड़ू रहते हैं, हर हस्बैंड नहीं थोड़े बहुत, और थोड़े अकड़ू तो मेरे भी हस्बैंड हैं, तो बस वो नहीं आए। तो फाइनली मम्मी पापा वगैरह हम लोग ही आए, सिस्टर और ब्रदर वगैरह हम सब, और उन्हें कुछ काम भी था तो इस रीज़न वो नहीं आए। तो बस अब हम कपड़े पहन चुके हैं, मैं आपको आयरा की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ जो मैंने उस वक्त उसके लिए सिलेक्ट किया था। ये मेरी भांजी अलीज़ा और ये आयरा, आयरा को रेड कलर का था, उसको हो नहीं रहा था, तो उसके हिसाब से उसे बहुत बड़ा मिला था, तो भैया ने कहा था उससे छोटा नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ा बड़ा ही पहना दिए थे हमने, बट अच्छी फिटिंग थी। आप देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है, वो बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं। और फाइनली हम पहुँच गए हैं, देखिए कितनी सारी गाड़ी है। You can see guys, कितना प्यारा मंजर है, बहुत प्यारा लग रहा है। बात बता दूँ आपको, मुझे लगता था कि यहाँ की बर्फ़ बहुत सॉलिड में रहती होंगी, पर जब मैं देखा तो बिल्कुल मिट्टी की तरह भूरा भूरा टाइप का था, जैसे अपनी मिट्टी रहती है और बस पैरों को तो निशान बनते हैं, वैसी ही बर्फ होती है। वहाँ जाके आयरा की सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही थी। यू कैन सी, आप आयरा को देख सकते हो कि कितना रो रही है वो, तो मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई मैं, और सब खेल रहे थे, मेरे भांजा भांजी भी बर्फ़ वगैरह मार रहे थे एक दूसरे को। ऐसे टाइम पे मैं आयरा के अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। आप बाकी के मेरे वीडियो में देख सकते हो, वो अच्छे से संभाल लेते हैं बच्चों को, तो मैं वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, बट अभी वो नहीं थे तो फिर मुझे अकेले ही देखना पड़ा।
be without you. I don't feel whole. Look what. ये मेरे गोलू मोलू बाजी। शिमला मनाली का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी शिमला प्लस मनाली मिलाकर कि आप बिल्कुल अपने साथ विक्स वगैरह लेकर जाए, पॉलीथीन वगैरह लेकर जाए ताकि आपको सफ़र में उल्टी वगैरह होती है तो वो आपको इजीली जाए। कपड़े कम लेके जाए लेकिन जॉकेट वगैरह ज़्यादा यूज़ कीजिए और बच्चों की दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह लेके जाए अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो। और आप बिल्कुल डेफिनेटली बेफिक्र होकर सोच के समझ के ना जाए, बिल्कुल चले जाइए क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। आपको उसकी यादें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है जो हम कभी नहीं मिटा सकते अपनी मेमोरी से। ऐसी यादें होती है शिमला मनाली की। तो अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं तो बिल्कुल उठिए और ज़रूर पसंद आया होगा। और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। शिमला और मनाली का सफ़र और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस मैं यही चाहती हूँ गाइस आप लोग हर जगह से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकें, मेरे वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हो सके। तो बस मेरा यही मकसद होता है कि आपको बजट वाली अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो और भी मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फुल मस्ती के साथ, फुल एंजॉयमेंट के साथ।
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि वही हमारी जिंदगी है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय।